हमारा साथ दे, हम लोग अपने घर में महफूज नहीं है, डर डर के अपने घरों में रह रहे कि कब आके हमारे घर की बहन बेटी भी इतना हाथ डाले। सो सोते हैं तो डर लगता है घर में, कैसे महफूज हैं हम लोग। बड़ा मेहरबानी हम लोगों को मदद करें, आके कब्जा कर देना, कब्जा कर हमारे घरों में, क्योंकि हम लोगों के पास तो हथियार भी नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं, उनके पास हथियार है, हम गोली दिखाते हैं, डराते हैं, दो लोग को डराते हैं, छीन लेते हैं ब्लड। हमारे पास तो कुछ भी नहीं सपोर्ट, हमारे पास पिस्तौल वगैरह कुछ भी नहीं है, वो पिस्तौल उनके पास, लोग डर के फिर पलाट दे देते हैं। लेकिन इंसाफ करें, पलाट भी वापसी सबको जिससे जिससे लिया दे दें, और वो तो हर किसी को सताते रहेंगे गाजी रोड में। तो ये कितना बंदा आता है, कितना बंदा आता है, उनके सामने भाग जाए, घर बार छोड़ के हम कहाँ जाए। आप देखे हैं सर, ये इतने सारे लेडीज जमा है जिनकी इज्जत महफूज नहीं है, दरवाज़ा तोड़ के घर में घुसते हैं, उसके बाद इनकी इज्जत पे हाथ डालते हैं और सामान निकल के बाहर फेंक के पिस्टल के जोर में स्टाम्प पे अंगूठा लगाते हैं, फिर उसके बाद घरों में कब्जा करते हैं और अपना नंबर दीवारों पे लिख के जाते हैं। मैं आपको नंबर भी सेव कर रहा हूँ, लिहाजा अगर इस पाकिस्तान के अंदर अगर हम हमारी इज्जत या हमारी माँ बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, माँ बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, तो ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या मकसद है? ना कोई पुलिस गश्त करता है, ना कोई रेंजर्स हमारे गश्त करते हैं, हम अभी इतने खौफज़दा हैं कि हम बस दिल करता है कि हम अपने आप को आग लगा दें। ये औरतें ये रोज़ाना रोते हैं, फिरते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कैमरों में हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं हमारी तावन करो, देखें ये हाथ जोड़ के रहम की भीख मांग रहे, रहम की भीख मांग रहे। छोटे छोटे बच्चे सुबह पूरा दिन मजदूरी करते हैं, शाम को आते हैं तो इनका साथ ये है, या तो चोरी कर लेगा, या हवाई फायरिंग करेगा, इनको दबाएगा, इनको धमकाएगा, इनकी प्लाट कब्जा करेगा। अब हमने एसएसपी औरंगी टाउन 5 नंबर को भी दरख्वास्त दिया है, मंगवा फिर UC8 थाने के हाथ में FIR करने जाते हैं तो वहाँ में FIR नहीं करते हैं। पुलिस इनके साथ मिला हुआ है, पुलिस इनके साथ हैं, ये आ जाते हैं 20 लाख का प्लाट 2 लाख रुपए में दे के स्टाम्प पे ज़बरदस्ती अंगूठा लेके फिर वही प्लाट दूसरा को फरोख करते हैं और हमारी सामान उठा के हमें बाहर फेंक देते, दाखिल देते। लिहाजा जितने भी पाकिस्तान के अंदर कानून नाफूज करने वाले इनके उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारी तावन करें,